नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निक्की और मेरी चैनल होमली रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। आज हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही आसान एंड टेस्टी रेसिपी है। आप इसे कैसे इजीली बनाएंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर भरता बैंगन ली हूँ। इसको लाके अच्छे से धो दे। फिर ये सूखने के बाद इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे हाथ की मदद से। आप चाहे तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद इसको चारों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही काटना। अभी हम एक स्टैंड के ऊपर या फिर रोटी सेकने वाला जाले के ऊपर बैंगन को रख के इसको हम पकने देंगे। इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखेंगे, वरना बैंगन में से जो पानी निकलता है इसके वजह से गैस का बर्नर ख़राब हो सकता है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के चारों तरफ से अच्छे से पकने देंगे। इसको ऐसे बीच बीच में चारों तरफ से पलट के पकने देंगे। बैंगन का नीचे का पार्ट को ऐसे उल्टा रख के इसको थोड़े देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए बैंगन हमारा चारों तरफ से अच्छे से पक गया है। एक स्पून के मदद से चेक कर लेंगे, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस को ऑफ कर लेंगे। एक कढ़ाई में पानी डाल के इसको ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। बैंगन को ठंडा पानी में डालने से इसका आउटर लेयर का कवर बहुत आसान तरीके से अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए कितने आसान से निकल रहा है। ऐसे ही बाकी चारों तरफ का कवर निकाल दे। ये देखिए बहुत अच्छे से निकल गया है। बैंगन में से छिलका निकालने के बाद हम इसको कट करके चेक कर लेंगे अंदर कि कीड़ा है कि नहीं। फिर इसको एक नाइफ के मदद से ऐसे मैश कर लेंगे। आप स्पून के मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मैश कर लेंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए सब कुछ रेडी हो गया है। दो कटे हुए टमाटर, दो कटे हुए प्याज, हाफ कप ग्रीन मटर, कद्दूकस किया हुआ जिंजर गार्लिक, थोड़े से उड़द दाल, स्नॉफ, मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, दो ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता, कटा हुआ धनिया पत्ता एंड घी। घी डालने से बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी हम बैंगन का भरता बनाएंगे। पैन गर्म होने के बाद उसमें 1 स्पून घी डाल देंगे। आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी आप मस्टर्ड ऑयल या फिर घी से ही बनाएं तो बैंगन का भरता और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर इसमें 5 फोरन को डाल देंगे। इसे ये थोड़ा क्रैकल होने के बाद उसमें ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता को भी डाल देंगे। फिर इसमें कटा हुआ प्याज को डालेंगे। प्याज हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें कद्दूकस किया हुआ जिंजर गार्लिक को डाल देंगे। इसका रॉ स्मेल जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक मिनट के बाद ये देखिए जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया है। अभी हम इसमें ग्रीन मटर डाल देंगे। ग्रीन मटर थोड़ा पकने तक हम इसको कवर करके फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट के बाद उसमें थोड़ा टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 1 मिनट तक फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम में। अब 1 मिनट के बाद ये देखिए मटर हमारा अच्छे से पक गया है। फिर इसमें कटा हुआ टमाटर, उसके साथ नमक ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसको 1 से 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें अभी बैंगन को डाल देंगे।
बैंगन को हम इसके साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, तो जो बैंगन का कच्चापन होगा वो सब चला जाएगा। इसमें थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अभी 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारा बैंगन का भत्ता बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी एंड कलरफुल दिख रहा है। अभी हम गैस को ऑफ करके इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए हमारा बैंगन का भत्ता अब रेडी हो गया है। ये एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। आप चाहे तो इसमें लेमन का जूस डाल सकते हैं, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ साइड डिश जैसा खा सकते हैं। आप ये मेरे वीडियो देख के ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो में लाइक कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।